इस देश के इतिहास में जब ये तीन कानून लिखे जाएंगे तो इन्हें क्या याद किया जाएगा? पहले को कहा जाएगा जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून, दूसरे को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला बंधुआ किसान कानून, और तीसरा जो एपीएमसी बाईपास करने वाला है इसको कहा जाएगा मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। और इसलिए इस देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्या कहें, तवे से निकला है, अभी एकदम नया नया है। रिसेंटली आज मैंने न्यूज़ में देखा कि कल कुछ सांसदों ने हमला कर दिया स्पीकर पे, आज उनको सस्पेंड कर दिया। तो इतना हाई है ये टॉपिक, तो भाई बहुत ही गर्म टॉपिक है आज। चलो देखते हैं, इसको हाथ लगा के देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल के बारे में। सो जो ये बिल है इसमें आते हैं, तीन बिल आते हैं। सबसे पहला आता है एसेंशियल कमोडिटी बिल। तो ये बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये कह रहा है कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में से कुछ कमोडिटीज़ को हटा दिया जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती थी उसको कोई भी मिडिल मैन स्टोर करके नहीं रख सकता था, लेकिन इस बिल के बाद कुछ कमोडिटीज़ जैसे राइस हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इन सबको हटा देंगे। तो इससे क्या, उनको परमिशन मिल जाएगी मिडिल मैन को कि इन चीज़ को वो स्टोर करके रख सके। और अगर वो स्टोर करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई होगा, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई को बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये बिल एक कारण है प्रोटेस्ट के लिए। फिर आता है दूसरा बिल जिसका नाम है फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल। तो ये बिल बेसिकली बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, कि कैसे कंपनीज ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उनको ऑर्डर दे सकती है कि हमें ये वाले क्रॉप्स चाहिए, तो हमें ये बना के दो, ये उगा के दो। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश में 86% छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टर या उससे कम के रकबे पर खेती करते हैं। ये जो छोटा किसान है, वस्तुतः इस छोटे किसान को उसके उत्पादन का वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो एमएसपी का भी फायदा नहीं ले पाता। और छोटे रकबे वाला किसान स्वयं भी अपने खेत में निवेश नहीं कर पाता और कोई दूसरा भी उसके खेत में निवेश करने को तैयार नहीं होता। इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है, ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा और अच्छी और वैश्विक गुणवत्ता के आधार पर एक किसान खेती करेगा, उत्पादन करेगा और जब वो अपनी फसल को बेचेगा तो उसको उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। दूसरा, जो व्यक्ति करार करता है वो किसान से एग्रीमेंट के समय मिनिमम मूल्य का करार देगा। परिस्थिति कैसी भी हो, ओला हो, पाला हो, प्राकृतिक विपदा हो, मिनिमम मूल्य किसान को मिलेगा ही। और अगर फसल का भाव मिनिमम मूल्य से ज़्यादा है अगर फसल आने पर, तो करार में ही ये उल्लेख होगा कि अगर इतना प्रतिशत मूल्य फसल आने पर बढ़ेगा तो उसका इतना प्रतिशत किसान को मिलेगा। तो ये बिल एक तरह से कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करे एग्रीकल्चर में ताकि वो अपग्रेड हो। लेकिन हमने रिसेंटली एक केस देखा था जहाँ पे गुजरात के कुछ फार्मर्स पे एक बड़ी कंपनी ने केस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल टाइप के पोटैटो उगाए थे और उस पोटैटो के कॉपीराइट उस कंपनी के पास थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से अगर ये बिल पास हो जाता है, एक तरह से फार्मर के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर आ जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं उगा पाएगा या फिर एक कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन में फंस के रह जाएगा। फिर आता है तीसरा बिल जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्शियल बिल। सो इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार क्या कह रही है कि जो फार्मर है वो अपनी जो कमोडिटी है वो सिर्फ मंडी में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन असल में देखा जाए बहुत सारे फार्मर जो हैं
वो जो अपनी कम्युनिटी है वो मंडी में नहीं बेचते, ओनली 6% लोग ही मंडी में वो जो अपनी कम्युनिटी है वो बेचते हैं, बाकी लोग बाहर कहीं बेच देते हैं, या कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई बिचौलिया हो गया ऐसे करके उनको बेचते हैं। तो ये कोई नया नहीं है। तो इसका मेन जो इशू उठ रहा है वो इसी बिल पे उठ रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो मंडी है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि मंडी में ही वो अपना सामान बेचते हैं। तो मंडी में उनको मिलता है MSP, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अगर आपका सामान कोई भी नहीं लेगा तो सरकार लेगी इस प्राइस पे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लेगी ही लेगी, क्योंकि बहुत बार ये इशू आता है कि जब फार्मर जाता है अपने कम्युनिटी को बेचने के लिए MSP पे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे वेयरहाउस में स्पेस नहीं है, हमारे को ज़रूरत नहीं है ऐसे करके। तो इसीलिए ये 6% लोग उधर बेच पाते हैं, बाकी बाहर बिकता है। तो एक टर्म उठ रहा है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जिसको कहते हैं APMC, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि उसको हिंदी में मंडी ही कहते हैं। ये बहुत पहले बना था कि जो फार्मर है वो अपना सामान को एक अच्छे प्राइस पे बेच पाएँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब फार्मर जाता था बेचने तो बोली लगती थी उसकी कम्युनिटी की, तब लोग जो उधर इतने सारे मिडिल मैन थे उन्होंने आपस में ही बातचीत करी, बोला कि भाई सेटल करते हैं, 100 रुपये में ही लेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो मजबूरन किसान को उसी प्राइस पे बेचना पड़ता था जो मिडिल मैन की टोली डिसाइड करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको क्यों ना चेंज किया जाए, तो इसलिए वो ये APMC लेके आया, जिसको कहते हैं मंडी, और मंडी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही जो कम्युनिटी है वो बेच जाती है। तो फार्मर को डर ये है कि अगर ये बिल आ जाता है तो जो ये मंडियाँ हैं ये बंद हो जाएंगी, फिर किसान और भी ज़्यादा लूटने लगेगा। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है न्यूज़ में। जो मेन इशू है इस बिल का, जो लोग कहते हैं कि एक तो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है MSP ना दे, MSP से निकलना चाह रही है, क्योंकि MSP पे वो जब कमोडिटी लेती है तो काफ़ी लॉस में रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के हिसाब से वो राशनों में अपना जो कमोडिटी है वो बहुत ही सस्ते रेट पे बेचती है। मान लो अगर वो 20 रुपये का गेहूं लेती है किसान से, तो 2 रुपये किलो राशन की दुकान पे बेचता है BPL लोगों को, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए वो इस चीज़ से निकलना चाह रहा है, तो एक इस चीज़ को कहा जा रहा है। दूसरा कहते हैं कि ये जो है प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, या अगर ये MSP चला गया तो जो दबदबा है वो जो प्राइवेट सेक्टर्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल सकता है फार्मर पे। सो गाइस, ये सब था इस टॉपिक के ऊपर। अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। टिल दैट टाइम बी मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड।